अरे अतुल। हाँ पापा। यहाँ आ जा। आ गया। हाँ पापा। क्या कह रहे? फॉर्म बनना है। बैंक का फॉर्म है। अरे बैंक में नॉमिनी करना है यार ये। नॉमिनी का? नॉमिनी का है। अच्छा, स्टेट बैंक मुख्य ब्रांच। तो ये किसका? ये तो मम्मी का है। तो फिर? अरे यार इसमें मेरा लगाते ना। नॉमिनी मेरे को बना दो तब तो कोई फायदा भी था। अरे बताओ, फॉर्म मुझसे भरवा रहे हैं और नॉमिनी मम्मी को बनवा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नए ब्लॉग में। और ये देखो, पापा ने मुझे बुला लिया नॉमिनी का फॉर्म भरवाने के लिए और नॉमिनी बना रहे हैं मम्मी को। मेरा इसमें फायदा क्या होता? सही नहीं है। नॉमिनी बनाना चाहिए बेटे को अपने। अभी से बच्चे पढ़ाए तो यह है आज का सीन। सुबह हो चुकी है और सुबह होते भी बस मैंने उठ के चाय पी थी और पापा ने मुझे बुला लिया है फॉर्म भरने के लिए और ये हंसी बंद नहीं हो रही है। कुछ कहना चाहेंगे पापा हमारे दर्शकों को? मम्मी को बनाना इसकी, क्योंकि क्या है अभी जितने भी ब्लॉग में पापा आए, कई लोगों के कमेंट आए, आप लोगों ने कमेंट किया है कि अंकल जी को हर ब्लॉग में लिया करो। तो आज का ब्लॉग की हमने शुरुआत ही अंकल जी के साथ करा दी है। भाई लोगों सब खुश रहो, प्रसन्न रहो, जिंदगी का आनंद उठाओ। लेकिन ये बाबा, ये जो खुश रहने का राज, हमेशा हंसते रहने का राज, ये किस क्या राज है इसका? अरे यही तो देखा ऊपर वाले ने हमको और देखा रखा है। हंसते रहो तो यही तो देखा हमको ऊपर वाले की, यही तो दुआ है, ऊपर वाले की दुआ है, तभी तो जिंदगी में मजा है। तो पापा यहाँ सुबह सुबह फॉर्म लेके बैठ चुके हैं। मम्मी ने बना दिया यहाँ खाना। ये देखो आटा गुन चुका है, दाल बन गई है। इसमें क्या मम्मी चावल है क्या? चावल बन चुका है। बाबा भूख लग गई क्या? और क्या, सुबह सुबह 9:30 हो गया है, घूमने जाएंगे बाजार। बाजार जा रहे हो क्या? और क्या, बैंक जाना है। ये आज ही जमा कर दोगे फॉर्म? और क्या। देखो भैया नॉमिनी बनाने की कितनी उत्सुकता है। यहाँ पे फॉर्म बनना हो चुका है चालू। और ये देखिए एक महान आदमी यहाँ के आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या फॉर्म भर रहे हो? ये नॉमिनी का फॉर्म भर रहा हूँ पापा का। नॉमिनी किसे बना रहे हो पापा? तेरी मम्मी को। तो मेरा नाम लिख दो ना, मैं भी तो आपकी बहू हूँ। अभी तेरा नंबर नहीं आएगा। कब आएगा मेरा नंबर? तो ये देखिए नॉमिनेशन के लिए एक कैंडिडेट और बढ़ चुका है। इनका नंबर मुश्किल से आया। अभी उससे पहले तो मेरा नंबर है, तुम कहाँ लाइन पे लग गई हो? अभी तो मैं 90 साल जीऊंगा। अरे अरे तो लेकिन 90 साल बाद के लिए तो नॉमिनी हो रहेगा यार। अरे उसके बाद करेंगे ना अभी। देखा भैया कॉन्फिडेंस देख रहे हो आदमी का। अच्छा मैं समझ गई, SBI वाले में पापा मम्मी को बना रहे, कैनरा वाले में पापा मेरा नाम लिखेंगे। मैं पापा सब समझ गई। कैनरा बैंक में भैया इनका नाम दिखना ही पड़ेगा मेरे। देखा भैया कॉन्फिडेंस का लेवल देखो, 90 साल तक जीना तो नॉमिनी अभी तक किसी को बनाया ही नहीं है। आप अपने बैंक का मुझे बना देना नॉमिनी। देखो मतलब जो चाल हम पापा के साथ चल रहे हैं, ये मेरे साथ चलने को तैयार है। देखो उन्होंने अपनी बीवी को बनाया, आप मुझे बना देना। सही कह रही हूँ, मैं आज ही एक फॉर्म लेके आता हूँ। है कितना उसे ये तो बताओ। कितना है वो तुम्हारा है। ये देखो नहाया नहीं पहले, खाने के लिए पहले तैयार हो चुके हैं। नहा के आ रही हूँ अभी। हाँ मतलब नहाते ही खाना है। ये देखो आप अपना बताओ, कितने दिनों बाद नहीं नहाया आपने, बताओ कितने दिन हो गए। ये छोड़ो ऐसी बात मत करो। तो यहाँ पे खाना हो चुका है चालू और बगल में ये जो बैठे हैं शख्स, ये भी खाने के लिए तैयार है। इनका खाना भी आया नहीं है, खाएंगे आराम से खाएंगे, स्कूल जाना है। यहाँ हो चुका है स्कूल जाने का टाइम। ये देखिए, ये देखो खाना खा के टिफिन पैक। मैं हो गई हूँ स्कूल के लिए रेडी और ये चल नहीं रहे। चलो चलो कह रही हूँ। चलो चलो यार, तैयार नहीं हूँ मैं। तैयार नहीं हूँ क्या मैं? ये देखिए आइए ड्राइवर साहब, ये देखिए आजकल हमारा जरा बाहर रोड में काम चल रहा है। ये देखो खतरों के खिलाड़ी, आइए खतरों के खिलाड़ी। ये देखिए खतरों, ये देखो ये इनका खतरों का खिलाड़ी। चलिए भगाल में स्पीड में हो गई मैं, लेट 10:15 तक पहुंचना था, टाइम हो गया 10:27। अगर खाने में ना करती तुम टाइम खोटी तो अभी तक टाइम से स्कूल पहुंच गई होती। बकवास। तो आप हमारे ब्लॉग्स को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ जाके पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि जब भी हमारा ब्लॉग आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो जाइए और सब्सक्राइब।
कीजिए चैनल को और मैं अब मिलती हूँ आपको स्कूल जाके। चलिए तो पहुँच गई हूँ मैं स्कूल, बस ये 1, 2 एंड 3 आगे मेरा स्कूल देगा। चलो भाई उतरो फटाफट, टाइम खुटी मत करो। पहुंच चुके हैं स्कूल और यहाँ पे निकाला जा रहा है कुछ तो। इनको देखा घर जा रहा है। थैंक यू। रिक्शे वाले को दे देती। एक ही बात है। बाय बाय। तो दौड़ लगा दी है। चलिए हम चलते हैं घर को। तो ये मैं पहुंच चुका हूँ घर और यहाँ देखो मस्त करके धूप के मजे लिए जा रहे हैं। हाँ भैया चलो बैंक चलना नहीं क्या? हाँ चलेंगे। चलो चलो फिर चलो उठो आओ। बैंक से जाना पड़ेगा। धूप सेकना आ गया क्या ऊपर? हाँ हमने कहा धूप सेकने विटामिन डी तो ले। ये देखो भैया फ्री का विटामिन डी मिल रहा है तो दवा के लिए जा रहा है। चलो उठो फिर बैंक चलते हैं और बैंक का काम निपटा के आते हैं। चलो चलो ना सारा कागज वागज जेब में डाल के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। चलो दे निकल दिया। अच्छा भाई मैडम बाय हम चले। ठीक है अम्मी जा रहे हैं हम। मैडम को ऐसे बाय करना। मैडम बाय हम चले। ये देखिए सवारी में सवार हो चुके हैं। चलो चले। तो ये पहुंच चुके हैं हम बैंक में SBI और देखो भीड़ कितनी भयंकर है यहाँ पे। पापा भी हेलमेट उतार के लाओ। हेलमेट दो। चलो ये देखो पापा ने मास्क लगा लिया। दिखाओ जरा। खतरनाक मास्क लाया। क्या लुक आ रहा है मास्क में यार इसको। ये देखो अपना नॉमिनेशन करा के आ रहे हैं भाई। यहाँ पे ये क्या कहते हैं, मैंने मोफलर लगाया था मुंह पे लेकिन क्या है कि उनने गेट पे जो अंकल थे उनने मास्क दिया, उनने बोला मोफलर नहीं चलेगा आपको मास्क पहनना पड़ेगा। क्यों? हाँ और पापा का ऐसा मास्क चल गया मैंने इतना बढ़िया मोफलर नहीं चलाया यार। हम पहले बता रहे थे मास्क लेके चलिए। हाँ चलो आपको मैं अनार का जूस पिलाता हूँ। और इतना इम्पोर्टेंट काम किया है, अपनी संपत्ति सारी नॉमिनी डाल दिया मम्मी को। एक अनार का एक मौसमी का। यहाँ पे अनार और मौसमी का जूस लग रहा है। और ये देखो बैठ गए हैं धूप सेकने के लिए। देखो बाइक आई तो बाइक से बचने के लिए यहाँ पे सारा किया जा रहा है। क्या बोलना चाहेंगे फिर कुछ विशेष? जूस का आनंद लेते हैं धूप में। धूप का आनंद जूस के साथ लेंगे। धूप का आनंद यहाँ पे जूस के साथ धूप का आनंद लिया जाएगा। हेलो भैया अनार का ताजा ताजा जूस। धन्यवाद। कैसा हो रहा है? आनंद आ रहा है। आनंद शेर मानने को तैयार नहीं है। चल कैसे रे भाई? अरे यार पापा डिजिटल का जमाना है यार, कहाँ कैसे चक्कर पड़ गया। हो गया देखो ये डाला मैंने दबाए बटन। ये देखो और ये और ये और ये खाते में। और ये देखो गया खाते भैया। चेक कर लेना भैया ये कभी भी कैश में अटके पड़ी है दुनिया की। आइए आइए आइए। ये मम्मी ने दरवाजा खोल दिया है। आइए आइए स्वागत है स्वागत है। अनार का जूस पी के। तो यहाँ पहुँच चुके हैं हम घर और अब हो चुका है हमारा कंपनी जाने का टाइम। तो दिन बढ़िया था, मजा रहा पापा के साथ। पापा को डिजिटल इंडिया की तरफ ले जाना पड़ेगा। अभी पापा ने ATM भी नहीं बनवा रखा है ताकि कोई मेरे ATM से पैसे ना निकाल लें। कितनी बार ATM बनाने को बोलते लेकिन नहीं बनाते। पापा ATM क्यों नहीं बनाते हो? नहीं भैया भरोसा नहीं दुनिया से। अब मैं आपके कार्ड की रक्षा करूंगा। ये तो मेरे हाथों के पीछे पड़ गया क्या होगा। चलो ठीक है फिर इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पे खत्म। बाकी ऐसी हमारे ब्लॉग को प्यार देते रहिए और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी जल्द ही मिलते हैं आपको नए विंटर स्पेशल ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।